हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं डीमन एक्स एंजल कांट गेट अलोंग के सेकंड एपिसोड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेकंड एपिसोड है स्टार्ट होता है, तो हमारे फर्स्ट सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि कुछ डॉल्स खड़ी, जो छोटे छोटे डॉल्स होती हैं वो खड़ी होती हैं, एनिमेट कैरेक्टर की रखी हुई होती हैं। जिया होता है वो उन्हें देख रहा होता है और बोलता है कितनी क्यूट है, एकदम मस्त लग रही है, और उसे और बोलता है कि मुझे ये खरीदनी है। और दूसरी तरफ वो अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है ये बिल्कुल होपलेस है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। और ये जिस सोचने सोचते सोचते उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और सोचता है कि मैं जब भूख के बारे में बात करता हूँ तो मैंने सुबह से लेकर अभी तक कुछ नहीं खाया है। और तभी अपना सर ऊपर करता है और सामने किसी एक लड़की को देखता है। सो गाइस, ये सनशाइन होती है जो उसके सामने खड़ी होती है, उसे देखकर बोलता है ये वही है, और सीधे जाकर उसके कंधे पर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है एक सेकंड रुको, और उससे बोलता है इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और तभी जो सनशाइन है उसका एक धोबी पछाड़ देती है और ज़मीन में धड़ाम से गिरा देती है उसका हाथ पकड़ते हुए। और जिया सोचने लगता है क्या रिफ्लेक्शन है भाई, एकदम सॉलिड, क्या धोबी पछाड़ती है इसने, और बोलता है, तभी जो सनशाइन है वो बोलती है कि तुम कौन हो। तभी जिया बोलता है कि रुको एक सेकंड रुको, ये मैं हूँ मैं। और जिया सनशाइन से बोलता है कि तुमने तो कहा था तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। और सनशाइन से चिल्लाते हुए बोलता है जिया कि खाने के लिए पे करो, जो तुम मैंने तुम्हें जो खिलाया था उसके लिए वापस करो पे, जो पैसे रुपए जो दिए थे पेमेंट किए थे उसे वापस करो। और जब सनशाइन जिया के ऊपर बैठ के उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी दो कुछ लोग पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें दोबारा से नहीं भागने देंगे दोबारा से। और उसे उस जो सनशाइन उससे बोलती है अब मत भागो रुक जाओ, और सनशाइन जो है फुल स्पीड में वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। और तभी जो जिया है वो बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, अपना उसकी जो गर्दन है एकदम से मतलब दर्द होने लगती है और बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है आखिर। तभी जो ऑफिसर्स होते हैं मतलब जो ब्लैक सूट में कुछ लोग होते हैं वो कॉल करके किसी से बोल रहे होते हैं कि वो हमसे भाग गए, हमें बैकअप चाहिए। और जो ब्लैक सूट में जो लोग होते हैं वो जिया से पूछते हैं क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और तभी जिया बोलता है नो प्रॉब्लम। और तभी जो जिया है वो गुस्सा वाला मुंह बनाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उस लड़की ने तो मुझे पहचानने से भी मना कर दिया, और बोलता है मैं एक डीमन हूँ, एक डीमन को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, और बोलता है कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी जो ब्लैक सूट में लोग होते हैं वो जिया से बोलते हैं जरा रुको। दूसरी तरफ जिया जो है वो सोच रहा होता है कि मैं उसको मजबूर कर दूंगा पेमेंट पे वापस करने के लिए, जो पैसे दिए जो खाने का पैसे दिए उसे वापस करने के लिए मजबूर कर दूंगा। जो और जो ब्लैक सूट में जो लोग उसे रोकते हुए कहते हैं कि यू आर अ डीमन, मतलब क्या तुम डीमन हो। और जिया जैसे ये सुनता है कि क्या तुम डीमन हो, और भाई वहाँ से 100, 9, 2, 11 हो जाता है, 100, 200 की स्पीड में भागना स्टार्ट करता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल लेता है। और जो ब्लैक सूट में लोग होते हैं वो बस उसे देखते रह जाते हैं। पर जिया है वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, अब वो मेरे पीछे क्यों है, और सोचता है कि ये मेरी आइडेंटिटी कैसे जानते हैं कि मैं एक डीमन हूँ, और बोलता है कि भागना बिल्कुल बेकार है, आखिर ये लोग है कौन। लेकिन मेरे डीमन सेंस बता रहे हैं कि अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और वहाँ से फुल स्पीड में फिर से भागना स्टार्ट कर देता है और सोचने लगता है कुछ भी हो मुझे यहाँ से निकलने की ज़रूरत है जल्दी से जल्दी। और तभी सामने जिया मुँह उठा कर देखता है तो सामने खड़ी होती है वो एंजल, चार आंखों वाली एंजल जिसने चश्मा पहना होता है, जो फर्स्ट चैप्टर में दिखाया था उसकी जो एजेंट होती है एंजल। और जैसे ही जो एंजल है वो जिया को देखती है और बोलती है क्या कोइंसिडेंट है जिया से, जिया बोलता है रुको। और जो एंजल है वो जिया को पकड़ने के लिए एक फ्लिप मारती है, लेकिन जिया जो है ऊपर से जंप मारता है और निकल जाता है, और वो बोलता है मुझे पता था। जब जिया डॉच करता है तो जो एंजल होती है वो बोलती है तुमने मुझे डॉच क्यों किया, मुझसे बच क्यों रहे हो। और जिया उसे बोलते मुंह पे हाथ रख के बोलता शांत हो जाओ, और उससे पूछने लगता है तुम करना क्या चाहते हो। तभी पीछे से आवाज़ हो रही होती है कि पकड़ो उन्हें, ब्लैक सूट में उनका जो लोग होते हैं वो जिया के पीछे पड़े होते हैं, और जिया सोच रहा होता है वो चार चश्मे वाली एंजल बिल्कुल उसके जैसे हैं, और सोचता है कि एंजल मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। और तभी सोचते एकदम से भाई उसका चेहरा एकदम से बेकार बन जाता है, और फिर चिल्लाते हैं वो सोचने लगता है रुको ये नहीं हो सकता, और सोच लगता है कहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं फेल हो गया क्या, और मुझे वापस भेजने के लिए
जबरदस्ती मुझे वापस भेज रहे हैं ये लोग, एंजल लोग। और सोचने और बोलता है कि ये सब उस चार आंखों वाली ने किया है, क्या मजाक हो रखा है। और तभी जिया को सामने वो ब्लैक सूट वाले लोग आते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। जिया उन्हें डॉच करते हुए आगे बढ़ता है और उसकी पीठ पर लात मारते हुए जंप मारता है। और सोचने लगता है यहाँ पर अभी मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैंने नहीं की है ह्यूमन वर्ल्ड में। और तभी जिया एक फ्लिप मारता है, दूसरी फ्लिप मारता है और हंसते हुए सामने की तरफ निकलने लगता है और बोलता है क्या इडियट्स है, और स्माइल देते हुए उनकी तरफ पीछे की तरफ देखता है और बोलता है यदि ये मुझे इतनी आसानी से पकड़ लेते हैं, और अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और क्रीपी से स्माइल देता है, मतलब कोई डीमन है ना, डीमन वाली स्माइल देता है पीछे देखते हुए। और जब उगली दिखाता भाई और बोले लगता है कि मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है, और तभी वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो सब तभी आगे जैसे ही अपना फेस आगे करता है तो सामने से शनशान आ रही होती है और उसे भी नहीं पता होता, देख और दोनों एक दूसरे को देख कर शॉक हो जाते हैं। और भाई शनशान जैसे उसे देखती है तो उसका मुँह तो एकदम देखने लायक बन जाता है। और दूसरी तरफ जो जिया है वो भी उसे देखता है क्या, और जोर से चिल्लाते मुंह बनाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है। और उतनी देर में ही उन दोनों एक्सीडेंट होता है, उनका मुंह एक दूसरे टकराता है और बड़ा सा एक्सीडेंट होता है, सामने से शनशान आ रही होती है और उधर से जिया आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों आते हैं और धड़ाम दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और गिर जाते हैं, एक गार्बेज के ऊपर दोनों के दोनों गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तभी जो ब्लैक सूट वाले जो आदमी होते हैं वो किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमने उन्हें पकड़ लिया है, और बोलता है कि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। और सामने उन्हें और जिस पर कॉल क्या होता है इसको उसे बता रहा होता है हाँ दोनों को पकड़ लिया, और दोनों चक्कर खा के जो बेहोश पड़े होते हैं ना। सो गाइस जब दोनों बेहोश हो जाते हैं तो यहीं पे गाइस हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और बस कमेंट करके बताइए कि आगे की सीरीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं आगे की सीरीज करूँगा, मतलब अगर अच्छा वो मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है तो पर डे की तीन से चार वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है वीडियोज पर तो अपना मैं बेस्ट दूंगा गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।